हमारे गांव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को गोद लिए थे। मैंने सोचा कि अब यहाँ पर सारा काम हो जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हुआ। वो बोले थे कि 21 बिंदुओं पर काम होगा, मगर एक बिंदु पर काम नहीं हुआ। हमारे गांव में समस्याएं सारे हैं, जैसे कि नाले की आवश्यकता है और कुएं के पानी प्रदूषित है, और यहाँ पर पंचायत भवन नहीं है, इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, और फील्ड का सुंदरीकरण के लिए बोले थे, एटीएम के लिए बोले थे, और पंचायत घर के लिए बोले थे, मगर किसी बिंदुओं पर काम नहीं हुआ। इसलिए हमारे गांव के सारे लोग नाराज हैं। एक बार गांव में जो गोद नामक नाम पर जाने जाते थे, खुशहाली गांव में उठी कि हमारे गांव में विकास हो, लेकिन विकास में बहुत से अड़चने हैं, नहीं हो पाई है। इसमें नाला की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लोग ठेगुनी भर पानी में लोग आते जाते हैं, कीचड़ में आते जाते हैं। अभी तक नाला उसे ही पड़ा हुआ है, नहीं बना। नाला नहीं लगल बाटला, मोदी गोद ले ले बाहन, कोनो चीज का सिस्टम नहीं बाटला। गांव भरे के कंतो नागेपुर में कहीं नाला भी नहीं लगल बा। ए नाला में इतना कचरा बा, इतना कुआ बा कि जनता आवता है, मच्छर काटा था, हिल्ला में कचरा में सब आवता जाता, सड़क का पानी कुआ में चल जाता, वह कुआ का पानी जनता उठा के पिया था, तो बीमारी का घर बा। पेपर में तो देश विदेश तक पढ़ रहे होंगे कि नहीं नागेपुर तो गोद ले लिए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। सब आते हैं अधिकारी, देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर सड़कें RCC ढलैया भी नहीं हुई, बिजली के खम्भे मौर्या बस्ती में नहीं घूमी, कनेक्शन कहाँ से लें? कनेक्शन तो कर दिए हैं, पर उनका घर जांचा नहीं गया, खम्भे से कितना दूर है। पानी की किल्लत है, जैसे 10 हैंडपम्प लगा हुआ है तो उसमें से 3-4 ऐसे हैंडपम्प है कि दूषित पानी निकल रहा है, फिर भी पानी पी रहे हैं लोग। वाराणसी जनपद के नागीपुर गांव में किसान के खेत में सोलर प्लांट लगाया गया, लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। हमारे पास जो है 15 बीसा खेत है, 15 बीसा में जो कि गांव के लिए हित के लिए मैं दे दिया 5 बीसा। हमारा एक लड़का ITI किया है, वो भी जो है कि इसी में लगा है। मैं भी रात को मैं सोता हूँ, देखता हूँ जो कि उसको बोलता हूँ पैनल को, मैं रात को चोर खोले ले जाएंगे, इतना यहाँ पर ऐसा है। इनकी मजदूरी मिली? मजदूरी के वाले 65,000 रुपया मिला है। तो टोटल महीना कितना पड़ा था आपका? 1,95,000। 1,95,000 हुआ, जिसमें से 60,000 आपको मिला। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारा जो है कि लड़के का मजदूरी मिल जाए, जो हमारा जो उचित रेट बनता है, जो बात हुआ है वो हमारा दें। हम खेती से जो है पूरा परिवार खर्चा चलाते हैं, और हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। तो मोदी जी जो गोद लिए थे तब से अब में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? काम कुछ नहीं हुआ, एक बच्चों को नंद घर बना है, और मैंने छोटा बच्चे जो है जाते हैं उसमें पढ़ते हैं, करते हैं, बस वही हुआ है। हाँ। गोद लिया तो उस टाइम तो गांव को मतलब बहुत भारी खुशी मिली कि हमारे गांव का हर समस्या सुधर जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कि कोई नहीं हुआ काम। गाँव को क्या चाहिए? गाँव के व्यक्तियों को सुविधा चाहिए। सुविधा नहीं है तो मोदी जी गांव लिए हो न लिए हो एक ही बराबर होता है।